ये जो नीचे आप देख रहे हो ये सब फ्लोट्स है, पहले इसी का ब्रिज हुआ करता था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हमारा बनारस में आखिरी दिन है, कल सुबह हम बनारस से निकलेंगे टूवर्ड्स मुंबई। तो आज कुछ जगह बाकी हैं जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अस्सी घाट है, और जो राजा जी महल है वो हम लोग देखने वाले हैं, और सारनाथ है। तो चलो हम निकलते हैं आगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे भी एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है, काफ़ी पुराना है, वो हम दिखाएंगे, और हम आपको यहाँ आसपास का कैंपस भी दिखाएंगे। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो दोस्तों, ये जो स्टैचू है ये है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो गाइस, आप ये जो देख रहे हो, जो नंदी के कान में लोग बोल रहे हैं, ये अपनी मनोकामनाएं बोल रहे हैं ताकि वो पूरी हो जाए। तो गाइस, ये बनारस की दूसरी साइड है। यहाँ पे वातावरण काफ़ी शांतिपूर्ण है, मतलब जो केओस था बनारस में पहले, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे पूरा अलग थलग है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी के अंदर होने की वजह से ये होगा, काफ़ी लोग यहाँ पे पढ़ाई भी अपनी कर रहे हैं।
तो गाइस अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है वहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। अभी कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, तो कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं फिर अपने अगले लोकेशन पे चलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर है BHU में, उसी के बाहर है और यहाँ पे रेस्टोरेंट में आया हम नाश्ता करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे काफ़ी साउथ इंडियन होटल्स आपको मिलेंगे बनारस में। तो जैसे मसाला डोसा जो मैंने मंगाया है, तो मैं खाता हूँ आपको बताता हूँ इसकी टेस्ट कैसी है। तो गाइस अभी हमारा नाश्ता करके हो चुका है, द टेस्ट वॉज गुड। अब कंपैरेटिवली आप बोलोगे कि नॉर्थ साउथ इंडियन डिश आप अगर आप नॉर्थ में खा रहे हो तो उस कंपैरिजन में टेस्ट अच्छा था। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अगली लोकेशन पर पहुँचते हैं। तो गाइस ये सामने आप जो देख रहे हो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बनारस। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं रामनगर फोर्ट, तो आप देख सकते हो ये आसपास का परिसर कैसा है। तो गाइस ये किले के अंदर से ये गंगा घाट जाने का रास्ता है जो किले के पीछे की तरफ निकलता है। तो गाइस ये फोर्ट के पीछे का नज़ारा है, काफी खूबसूरत है। और ये वही ब्रिज है जो क्रॉस करके हम इस तरफ आए थे।
जो सामने देख रहे हो ये फ्लोट्स है जो बोट लेके जा रही है। तो पहले जब ये ब्रिज नहीं था, जब ये ब्रिज नहीं हुआ करता था, तो ऐसे ये फ्लोट्स थे और इनके ऊपर से ये रास्ता जाता था, मतलब ये लकड़ी का पुल बनाया जाता था। तो नदी का जैसे लेवल बढ़ता था, ये ऊपर आता था, नीचे जाता था, तो नीचे जाता था। ये अभी उसी के जगह पे ये इन्होंने पक्का पुल बना दिया। तो गाइस अभी हमारा रामनगर फोर्ट देख के हो चुका है और अभी हम फोर्ट के बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे अस्सी घाट। धूप तो काफ़ी है लेकिन आज जो प्लान है वो करना ही पड़ेगा। दिक्कत ये हुई कि कल मैं काफ़ी बीमार पड़ा, इसके वजह से कल हम लोग बाहर नहीं निकल सके, इसी वजह से ये पेंडिंग रह गया। तो अभी हम यहाँ से अस्सी घाट जाएंगे और फिर वहाँ से रूम पर जाएंगे। तो गाइस अभी हम किले के बाहर आ चुके हैं और ये है शिव प्रसाद लस्सी भंडार। ये बोलते हैं रामनगर की ये फेमस लस्सी है। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, अभी भी देख सकते हो काफ़ी लोग हैं। तो गाइस इस लस्सी की विशेषता ये है कि इस पे रबड़ी भी डाली जाती है, आप देख सकते हो। कैसी है? अभी हम शिव प्रसाद लस्सी से निकल चुके हैं आगे। मैंने पूछा वाइफ और बेटी से हाउ वॉज द लस्सी, दे सेड दैट इट वॉज वेरी गुड। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं एंड द नेक्स्ट लोकेशन इज अस्सी घाट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अस्सी घाट। दिस इज वन ऑफ द फेमस घाट्स ऑफ बनारस। बनारस में ये घाट काफी फेमस है। यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है सुबह, देख सकते हो सुबह है बनारस। मैंने इसके बारे में काफी सुना है, हम कोशिश करेंगे कल सुबह आने की। ये बनारस में जो घाट है वो अस्सी घाट सबसे पहला घाट है। यहाँ पे शायद से कोई शूटिंग चल रही है। तो भैया अस्सी घाट की विशेषता ये है कि देवी दुर्गा ने शुंभ अशुंभ का वध करने के बाद जहाँ पे अपनी तलवार फेंकी थी वहीं पे अस्सी नदी का उगम हो गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट घाट्स ऑफ बनारस। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी सीधा होटल जा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 और काफ़ी धूप भी बढ़ चुकी है।
अभी हम जाएंगे, विल हैव लंच एंड देन थोड़ा आराम करेंगे और फिर शाम को फिर से निकलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे नींबू शरबत पी रहे हैं, काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं और एक क्लास पीऊँगा क्योंकि धूप यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट 42-43 डिग्री सेल्सियस। तो आज वैसे भी हमारा आखिरी दिन है, कल हमारी वापसी की ट्रेन है। गाइस दिस इज द काशी चाट भंडार जो मैंने कल बताया था, काफ़ी फेमस है ये चाट भंडार। तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे। गाइस हमारी आलू टिक्की आ चुकी है, काफ़ी टेस्टी लग रही है, तो अभी हम इसको खा के देखते हैं। दोस्तों ये काफ़ी टेस्टी है। लोग 6 दिन हो गए यहाँ पे, यहाँ से गुजरते हैं रोज, काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई आने की भीड़ की वजह से। लेकिन आज मैं दोपहर को निकला हूँ तो भीड़ यहाँ पे कम है, उसके लिए मैं अंदर आया। बट दिस इज रियली वेरी टेस्टी। मेरी चाट खा के हो गई है, आलू टिक्की काफ़ी टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया। तो सोचता हूँ थोड़ी देर में 8:30 बजे यहाँ से मैं गुजरता रहूँगा और कुछ नया ट्राई करूँगा। चलो फिर मिलते हैं हमारे। तो गाइस दिस इज़ द काशी चाट भंडार, ये एग्जैक्टली ये जो सेंट थॉमस चर्च है इसके सामने है और यही रास्ता दशाश्वमेध घाट जाता है। गाइस अभी हम आ चुके हैं दुर्गापुर, यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है। तो चलो हम आपको आगे दिखाते हैं। मुझे पता नहीं यहाँ पे कैमरा अलाउड है कि नहीं, हम लोग अंदर जाके चेक करते हैं। वैसे मंदिर काफ़ी खूबसूरत है अंदर से, लेकिन अंदर फोटो खींचना मना है, इसलिए हम बाहर से इसको निकाल रहे हैं। तो गाइस दिस इज द सेठ आनंदराम जयपुरिया स्मृति भवन। यहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी मिलता है और काफ़ी अच्छा खाना भी मिलता है। 200 रुपीज़ पर हेड, इसमें आपको अनलिमिटेड फूड मिलता है और ये प्योर वेज होता है। तो गाइस दिस इज़ द सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग पिछले कई दिनों से खाना खा रहे थे। गाइस जिनका ये सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट है उन्हीं का ये जेके इंटरनेशनल होटल है, तो हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। तो वी हैड अ वेरी गुड स्टे ओवर हियर, लोग भी काफ़ी प्यारे हैं, द ओनर इज़ वेरी स्वीट। सो गाइस ये हमारी आखिरी शाम है बनारस में, कल हमारी वापसी है टू मुंबई। अभी हम सीधा कल मिलते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।